Hare Hare, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna
كيتنام برنام شاكينام جا في دور عاشين سالبطولي بمانتم فاشرامي قاندو مريك شمس منتاب بيتكان لاكا جودي مكرمين وما كرم قرمان يدي قابيون وما سيميش وسيبرم للعالم وما بيشاش وخدر بدوها صناك نسوان أنا بمجهان جمعان قريجا منان دباه شفي سوريا لكم أشرامي باندي كهوتا شوكتم سوكي لصابي سوكي لم يا واقف ديو جيب من كرمي بيابتون تليكي نبي سسرى اشتاك دوكم دوكا موبيا تبيدا دوكا تليكا جريكم آمي قوام سورسن راي زندي كيسيني رانجل يوكناندي ساستيكيو قوام مهارشي سيدر سنبا سوانتي قوام ستوتي هيكو رودرادیتیا رسوی سسادیا ویشنیشن مروتا سوشن راشتر واندر یکشا سورسید سنگا ویکرم دیکھا اسمك سيد سري ساني سيك شتوك يا زغت رجيش يتمرت يتيت رجحان سيك لبهود رغنجي ساري شانتی سید سنگا قسمات سدینا نمیران محاکنا گری سید منو یادی آتی آنان گری شجدن نماز وما شرم سد ستتنيا كما بديوى قروش القرآن وما سيعيش فسيقرن بنعان بالتعسلم بيوم سقرن تدهاما ويا تلقيش ومن الحروب ويوري مغني ورناش شنقا ويا تلقيش
का पाठ नौवां अध्याय श्लोक संख्या 23 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। येऽप्यन्यदेवता भक्त्या यजन्ति श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्कृणातश्रवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पृथिव्यान्ति विदिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्यजिनो विमान् पत्रं पुष्पं फलं तोयं
यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिवर्तनमस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्वदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसि कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि ते सुदुराचरो भजते मामनन्यसाधुरेव समन्तव्य सम्यग्वसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत्शान्ते गच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां पार्थव्यपाश्रेत्य ये स्युपापयोनय श्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्ति यान्ति परां गते किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तरजर्षदस्तथा अनेत्यमसुखं लोक इमं प्राप्य भजस्य मां मन्मना भवमद्भक्तो मत्याजे मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणम् मन्मना भवमद्भक्तो मत्याजे मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणम् आत्मानं मत्परायणं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare Krishna.
राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम 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 बात कुछ आती है मन में, आप कोई कहो तो आप कई बात हमारे पास क्या है बताओ। ये तीन बात होती है, एक परमात्मा है और एक जगत है और बीच में मनुष्य है। तो ये संसार की तरफ जाता है तो दुख पाता है, परमात्मा जाता है तो आनंद हो जाता है, सुख दुख सबसे ऊंचा उठ जाता है। ये तीन है, तीनों को लेकर के संसार के लिए कर्तव्य का पालन करे निष्काम भाव से तो बोध हो जाता है, विचार से संसार को शरीर को अपना न माने तो बोध हो जाता है, और परमात्मा को अपना माने तो भक्ति हो जाती है। तो संसार सेवा से कर्म योग हो जाता है, विचार से अपने को ज्ञान योग हो जाता है, भगवान के शरण से भक्ति योग हो जाती है, ये बात भक्ति हो जाती है, भक्ति योग ये बात है। वो और क्या जाना, जानते नहीं और तुमसे ये बात है। इसमें कोई बात आपको पूछो, आपके संदेह हो, आपके कुछ भी संशय हो, आशय हो, संसार और शरीर एक है, ये बात खास जानने की है। संसार अपना है, शरीर अपना है तो संसार मात्र अपना है, और संसार अपना नहीं है तो शरीर भी अपना नहीं है। ये दो बात मर्जी हो सो कर लो, शरीर अपना है तो संसार मात्र भी अपना है, क्योंकि संसार और शरीर तो एक धातु है। अगर संसार अपना नहीं है तो शरीर भी अपना नहीं है, संसार अपना नहीं है शरीर अपना है, ये गलती है, खास गलती है। संसार अपना नहीं संसार टुकड़ा अपना कैसे हो जाएगा। तो शरीर संसार है, सेवा के लिए हम संसार अपना मानते हैं तो सेवा के लिए शरीर को मान लो, शरीर को शरीर की सेवा कर दो बस, शरीर से सुख नहीं लेना है, संसार से सुख नहीं लेना है, संसार की सेवा करना है सुख नहीं लेना है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोभी यश शुभ गति विचारी, तो सेवक सुख चाहे सेवक को सुख नहीं होता, संसार से सुख नहीं लेना है तो शरीर से सुख नहीं लेना है। सही सुख क्रिया और पदार्थों से सुख लेते हैं, पदार्थों से वस्तुओं से व्यक्तियों से सुख लेते हैं, ये नहीं रहना चाहिए। शरीर सुख है, खाने पीने में रहने में सोने में आराम में सुख लेते हैं, सुविधा चाहते हैं, ये नहीं। शरीर की सेवा करो, खाना पीना दे दो, इसको वस्त्र दे दो, भोजन दे दो, जल दे दो, मकान दे दो, भगत पर सुला दो, आराम दे दो, सुख मतलब उसे सुख लो तो कारण गुण संग हो जाए, सदस्य जन्म सुख तो उस दिन जन्म होगा,
शोक सही से चिंतन करो, सारी शरीर कारण सही से समाधि करो, वो भी अपने लिए नहीं, खाना पीना भी अपने लिए नहीं, चिंतन भी अपने लिए नहीं, समाधि भी अपने लिए नहीं, स्थूल अपने नहीं है, सूक्ष्म अपने नहीं है, शरीर अपना, कारण सही अपने लिए नहीं, अपने लिए जो अतीत है वो परमात्मा है। उस परमात्मा सगुण को चाहे निर्गुण को, रुचि निर्गुण मानो चाहे रुचि सगुण मानो, तत्व एक ही है, दो तत्व नहीं है, साकार मानो निराकार मानो, दो भुज मानो, चतुर्भुज मानो, सहस्रभुज मानो, जैसे चाहे सो मान लो, अभी मानो जैसा मिलेगा नहीं, मिलेगा इनसे विलक्षण, तो मानने में क्या है, कैसे ही मानो, कैसे ही मानो वैसा नहीं मिलेगा, अगर वैसा ही मिलेगा तो वैसे पहले हम मानते ही मिलने में बाकी नहीं रहा तो फिर बाकी नहीं रहा, तो अभी मानना होता है और अपने आप को जानना होता है, संसार का करना होता है, करना मानना जानना तीन ही शक्ति अपने पास में, करना है कि सेवा करो, जानना तो अपने स्वरूप को जानो, मानता है तो प्रभु को मानो, अपने स्वरूप को जानने के लिए जो जगता है स्थूल स्थूल कारण से मैं नहीं हूँ, ये विचार का प्रयोग करिए, मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात पक्की मान ले पड़े कि ये मेरा नहीं है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ज्ञान मार्ग में चलता हो तो ये मान लेना चाहिए, ज्ञान विचार के द्वारा होता है, विवेक के द्वारा होता है, तो विवेक विचार से शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा भी नहीं, और शरीर मेरे लिए कैसे होगा, मैं तो हूँ चेतन जड़, शरीर जड़, जड़ मेरे लिए थोड़ा होता है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती नहीं, इस वास्ते जड़ के त्याग से प्राप्ति होती है, तो ये मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं, ऐसा त्याग करना ही पड़ेगा तभी ज्ञान मार्ग में चलोगे, शरीर को कहोगे शरीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ये कभी होने का है नहीं, होने वाला है ही नहीं है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, इसमें शंका हो जाती, बोलो नाशवान के द्वारा अविनाश की प्राप्ति कैसे होगी, नाशवान का त्याग से अविनाश की प्राप्ति हो जाएगी, जो नाशवान का त्याग हो तो अविनाश ही रहेगा, और क्या रहेगा, असत का त्याग करो तो सत ही रहेगा, अनित्य का त्याग करो तो नित्य ही रहेगा, अनेक का त्याग करो तो एक ही रहेगा, अतत्व का त्याग करो तो तत्व ही रहेगा, ऐसे त्याग नहीं करो कोई से द्वारा करो तो उसे तत्व की प्राप्ति होगी नहीं भाई, होती हो तो आप बताओ, इसमें जो संदेह हो आप पूछो, अब इनका त्याग कैसे करें, दिखने मात्र की सब वस्तुएं असत हैं, अब इनका कैसे क्या क्या करें, त्याग मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये भीतर से बिल्कुल अनुभव करो कि ये मैं नहीं है, ये मेरी नहीं है, मैं कैसे हुआ, मैं तो चेतन स्वरूप से बचपन से आपने देखो मैं तो वही हूँ, शरीर बदलता है तो शरीर मैं कैसे हुआ, बदलने वाला मैं नहीं बदलने वाला, इस बार शरीर में नहीं, और शरीर पर अपना आधिपत्य चलता नहीं, इस बार शरीर मेरा नहीं, और शरीर के मिलने पर भी फिर वो और मिलने की इच्छा है तो शरीर मेरा नहीं है, मेरी चीज मिलने पर मेरे मिलने की इच्छा रहती ही नहीं, तीनों बात है ये, इसमें शंका जो करो, दृढ़ता से ये अनुभव करना चाहिए, केवल सीखना नहीं है, याद करना नहीं, अनुभव करना चाहिए, शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता हूँ, ये अनुभव होना चाहिए, अनुभव हो सकता है, ये आप अनुभव करो तो ये हो सकता है, मैं तो वही हूँ, वही नहीं अनेक जन्म में होने वाला, इतनी सच्ची बात है महाराज, इतनी सुगम है, इतनी बढ़िया है कि अनेक जन्म हुए तो अनेक जन्म में आप एक रहे तो आप दो हुए,
आप एक रहेगा अनेक जन्म हुए तो जन्म आपके साथ नहीं, ये तो होता है मिटता है, उड़ता है मिटता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है ना। अनेक जन्म में आप तो एक ही रहेगा, तो जन्म इसी साथ ही आप एक को, किसी धर्म के साथ आप नहीं रहे, किसी शरीर के साथ नहीं रहे, तो इस शरीर के साथ कैसे हैं आप? कोई शरीर आपका नहीं हुआ तो ये शरीर आपका कैसे हो गया? किसी शरीर के साथ आप नहीं रहे तो इस शरीर के साथ आप कैसे रहेंगे? मैं हूं नहीं इसके साथ, इससे मतलब नहीं हमारा। जितने शरीर छूट गए हैं उनसे कोई मतलब है क्या? तो इससे क्या मतलब है? याद ही नहीं, तो याद ही नहीं है, तो याद होने से क्या हो? सपने में देखता वो याद रहता तो क्या फायदा उसे? सपने की याद आ जाए तो क्या हुआ? याद ना हो तो क्या हुआ? याद आवे ना आवे कोई मतलब नहीं है। शरीर से आपको क्या मिलेगा बताओ? सत्संग हो रहा है तो सत्संग केवल सुनने का नाम सत्संग नहीं है। सत नाम शरीर में नहीं हूँ, ये सत है। सुख दुख शरीर हो रहा है तो शरीर से हो रहा है, पर भोगने वाला कौन है? रसोई मैट भोजन करते हो, भोजन रसोई थोड़ी करती है। ऐसे शरीर में रहकर आप सुखी दुखी होते हो, आप स्वयं सुखी दुखी हो, तभी तो हमारे साधन का प्रश्न आता है। आप सुखी दुखी नहीं होते तो प्रश्न आता ही नहीं। शरीर की जरूरत नहीं साधन की, सत्संग साधन की जरूरत तो इस आफत के लिए ही है कि मैं सुखी दुखी होता हूँ। ये आफत विचार से करो तो शरीर में नहीं मिट जाएगा। ये अनुभव करो कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात का अनुभव करो, बिल्कुल मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम करके देख लो। ये बात है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा भी नहीं है। मेरा तो होता है बस चले यार, मैं कह रहा हूँ शरीर बदला, मैं नहीं बदलता हूँ। और मेरे लिए शरीर होता तो मेरे को इच्छा नहीं रहती, और इच्छा रहती है तो शरीर मेरे लिए नहीं है। मेरे जैसे बच्चा है, माँ मिल जाती है तो इच्छा मिट जाती है, माँ नहीं है तो इच्छा होती है। स्थूल शरीर है, स्थूल दृष्टांत है। ऐसे अगर शरीर मेरे लिए होता तो शरीर मिलने पर फिर इच्छा नहीं रहती, और इच्छा रहती है तो शरीर मेरे लिए नहीं है, सामग्री मेरे लिए नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं है। तो संसार त्रिलोकी संसार आपको मिल जाए तो भी आपको शांति और संतोष नहीं हो सकता। क्या संसार मिलकर के आपका कल्याण कर देगा? अनंत ब्रह्मांड मिलकर के आपका कल्याण कर देगा क्या आपका? तो अनंत ब्रह्मांड भी कल्याण नहीं कर सकता, छोटा सा सही कैसे कल्याण कर देगा? संपूर्ण संसार का राज्य त्रिलोकी मिल जाए तो आप विचार पूर्वक कहो आपको, आपकी तृप्ति हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, तो एक शरीर से कैसे हो जाएगी? अनंत ब्रह्मांड से भी आपकी तृप्ति नहीं हो सकती तो एक शरीर से आपकी तृप्ति कैसे हो जाएगी? तो ये आपके लिए है ही नहीं। शरीर में तकलीफ होती है तो बिछड़े तो जाते हैं, दुख यही है। और दुख क्या है? यही तो दुख है, इसी से जो छुटकारा पाना है। और करना क्या है? शरीर से दुख क्यों जाता है? शरीर में मैंपन और मेरापन है, मैंपन मेरापन में दुख होता है क्या? जिसमें मैंपन और मेरापन नहीं हो उससे दुख होता है? जैसे मेरापन किसी भी चीज में नहीं है, वो चीज नष्ट होने से दुख में दुख वही होता है। मेरा नहीं है शरीर और मेरे लिए नहीं है और मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मान लेना पर्याप्त ना? अनुभव ऐसा अनुभव होना चाहिए, मान लेना, सीख लिया, सीखने से नहीं होता। मान लेना, अनुभव करो। जैसे ये थम्भा मैं नहीं हूँ, थम्भा मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा होना चाहिए। साक्षात अनुभव के स्तंभ मैं नहीं हूँ, स्तंभ मेरा नहीं है, समय मेरे लिए नहीं है, ऐसे अनुभव होना चाहिए। सीखने से क्या होगा?
और अनुमुख सीधी बात है कि शरीर छूटते रहे आप रहते हो तो शरीर आप कैसे हुए, और शरीर पर आपका वश नहीं चलता, ना मन पर चलता है, ना बुद्धि पर चलता है, ना अहम पर चलता है, मन बुद्धि अहम भी आप नहीं हो, ये प्रकृति का कार्य है, आप उसके अंश हो, तो ये अपन नहीं है, अनुभव होना चाहिए थम्बे की तरह, इस तरह से शरीर है। मान ले सुनने से क्या होगा, सीखने से वाचिक ज्ञानी हो जाओगे, अनुभव नहीं होगा, वाचिक ज्ञानी में बैम पड़ जाता कि मैं हो गया, ज्ञान में बाधा हो जाती है, फायदा नहीं होता नुकसान होता। तो ज्ञान तो सार होना चाहिए ना, ज्ञान संदेह रहित होता है, ज्ञान में संदेह नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथे सिद्धंते सर्व संशय, कोई किसी बात का किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता, नहीं हो सकता और मेरे लिए भी नहीं हो सकता, ये पर संदेह था क्या? ज्ञान में संदेह नहीं रहता, संदेह रहता ज्ञान नहीं है, संशय है ना, सिद्धंते सर्व संशय, संदेह नहीं रहना चाहिए, कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए। देखो इसमें प्रतिकूलता आने पर जो दुख होता है ना, वो दोष है, ज्ञान दोष नहीं है। ज्ञान हो गया मन आंगुली की पीड़ा होगी, ज्ञान हो गया तो जो पीड़ा, अब मैं क्या करूं, अरे दुख होता है मन में, तो वो दोष है, दुख और है ज्ञान और है। न प्रेषित प्रियम प्राप्य, प्रियता ये तो है ज्ञान, और हर्षित होता है प्रिय को प्राप्त होने पर, यह दोष, और अप्रिय को प्राप्त होना ये तो ज्ञान, और उद्वेजित है तो उद्वेग हुआ हर्षल हुई, ये है मोह मूर्खता। ज्ञान का तो कुत्ते की भी पीड़ा है तो हम जानते हैं तो कुत्ते की पीड़ा हो रही है, दुख थोड़े होता है, दुख और है दर्द और है, ये बात तो आती समझ में ना, ये बात तो समझ आती है ना, तो वो दर्द हो जाए वो तो बात अलग है, दुख हो जाए ये बात नहीं है, दुख होता है ये अज्ञान से होता है, अज्ञान क्या है, यथार्थ जानते नहीं, अधूरा ज्ञान है, सीखी हुई तो देख मैं नहीं हूँ, अनुभव नहीं होता है, इसका नाम अज्ञान है, अज्ञान अधूरे ज्ञान का नाम है, ज्ञान के अभाव का नाम ज्ञान नहीं है। आपको निर्विकल्प हो जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, तो पत्थर में कौन सा विकल्प है, पत्थर में कोई विकल्प है क्या, तो निर्विकल्प पत्थर है, उसको ज्ञान हो गया, क्लोरोफॉर्म सिंहादे मूर्छा हो जाए तो ज्ञान नहीं रहता, तो ज्ञान हो गया निर्विकल्प होने से, निर्विकल्प ज्ञान नहीं है, निर्विकल्प स्थिति है, पत्थर की एक स्थिति है, ऐसे मूर्छा में भी एक स्थिति है, नींद वेग आपकी स्थिति है, और ज्ञान स्थिति और गति दोनों से रहित है, न गति है न स्थिति है। जैसे आपने कहा कल कि सत्य की प्राप्ति जो है असत के द्वारा नहीं होती, इसका ये भी हुआ कि असत के असत का त्याग जो है वो असत के द्वारा नहीं हुआ, असत के द्वारा नहीं, नहीं असत का त्याग असत के हो सकता है, असत है असत के त्याग में असत सहायक हो सकता है, असत के द्वारा असत का त्याग नहीं होता, ये नहीं, असत की सहायता असत के त्याग में ली जा सकती है। विचार करोगे आप तो विचार बुद्धि से करोगे, मन से और बुद्धि से तो करोगे, तो विचार दो तरह होते हैं, एक विचार करना होता है, एक विचार पैदा होता है, वो पैदा होता है वो विचार स्वतः है, और जो विचार करते हैं वो विचार मन बुद्धि से करते हैं, सुनता है हम समझते हैं बोलते हैं, ये सब असत के सहायता से ही करते हैं हम, चाहे परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर विचार करे चाहे ब्रह्म की बात करते, वो असत के द्वारा ही होती है, तो असत के द्वारा असत के त्याग में सहायता होती है, असत के द्वारा असत का त्याग नहीं होता है, असत की सहायता होती है, क्योंकि हम असत में बैठे हैं इस वास्ते,
असत से ऊंचा उठेंगे तो पहले असत की सहायता लेंगे, हमारा ध्येय सत होगा, असत नहीं होगा। और ध्येय असत हो रुपया पैसा आदि है, ध्येय असत 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 में ही रहेगा, असत में नहीं जाएगा। अनंत ब्रह्मांड बीत जाएगा, अनंत ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगी तो भी आपका ध्येय रुपया आराम रहेगा, तो असत का ही ध्येय असत ही ध्येय असत ही साधन, तो असत में ही रहोगे। असत की सत की जिज्ञासा, सत की विश्वास, उसका विश्वास सत के और असत का विचार विश्वास सत की प्राप्ति की उद्देश्य आपका होगा तो असत आपके सहायक हो जाएगा, आपका सहायता करेगा। लक्ष्य आपका तत्व चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असत का त्याग करना होना होगा। सीढ़ी पर चले थे, एक एक सीढ़ी छोड़ते चले जाएंगे तब जाएंगे ना ऊंचे। इस वजह से असत का त्याग करते गए तो सत की प्राप्ति हो जाएगी, असत के द्वारा नहीं होगी। तत्व की प्राप्ति असत के द्वारा नहीं, असत के त्याग से होगी। मन असत के त्याग के लिए असत की सहायता ले सकते हैं, कहना है सुनना है समझना है, ये तो असत के संग से ही होगा। अभ्यास है चिंतन है समाधि है, असत के संग से ही होगा, असत के त्याग से कैसे होगा। समाधि विधान है जो मुर्दे में थोड़ी होगा, जीवित में होगा और शरीर में होगा, अर्कान शरीर में होगी समाधि। बस ये गलती होती है, इस वास्ते मैं बार बार कहता हूँ असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, इस वास्ते कहता हूँ। तो सहायक तो हो सकता है, सहायक हो जाएगा ऐसा नहीं कहता हूँ, सहायता आप ले सकते हो। देखो भाई, आप यहाँ बैठे हैं, बीकानेर जाना है तो ये दृष्टांत पूरा घटता नहीं है, परंतु बीकानेर जाना है तो मार्ग आपका सहायता हो जाएगा, यहाँ से चलना आपके सहायता हो जाएगी, बीकानेर थोड़ी हो जाएगा। आपने अपनी स्थिति जब जड़ता में है असत में है तो असत से ऊंचा उठने के लिए आपका उद्देश्य सत होना चाहिए और उद्योग उसके लिए उद्देश्य उद्योग में असत आपके सहायक हो सकता है, परंतु सत का आश्रय लोगे, सत का आश्रय लेकर असत की प्राप्ति करोगे तो नहीं होगी। सत का त्याग असत का त्याग करने के लिए असत को काम मिलो। जैसे मकान में कूड़ा कचरा आ गया तो उसको दूर करने के झाड़ू से काम लो, तो झाड़ू से कूड़ा कचरा दूर करके झाड़ू भी फेंक दो, झाड़ू को साथ रखना है। ऐसे विचार के द्वारा बुद्धि के द्वारा इस करके असत का त्याग करते जाओ, करते करते ठीक त्याग हो जाए, झाड़ू त्याग हो भी छोड़ो, बुद्धि भी छोड़ो, मन भी छोड़ो, आम भी छोड़ो, प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपके अड़चन आती हो वो पूछो, ये तो बातें है, ये तो तटस्थ बातें है, तटस्थ बातें। आज जो विद्या अध्ययन होता है वो तटस्थ होता है। मैं बात कही है कि गीता चलती है वो तटस्थ नहीं चलती है, ग्रंथ जितने पढ़ाई के होते हैं सब तटस्थ चलते हैं। सत की सहायता नहीं लेना चाहते तो किस मार्ग में चलते हो आप? भक्ति मार्ग में चलते हो, ज्ञान मार्ग में? ज्ञान मार्ग में सत की सहायता जरूरत नहीं है, सत के त्याग की जरूरत है, केवल असत के त्याग की जरूरत है। आप हो इसको कैसे मानते हो? आप हो कि नहीं हो बताओ, इसके उत्तर तो ठीक तरह से आप हो कि नहीं हो, है जी? किस असत में जा रहे हो आप? ठीक समझो, बताओ, असत के बिना नहीं होता तो आप मैं हूँ ये किस असत के द्वारा आप आपकी सत्ता है? स्वयं के द्वारा ही, तो स्वयं से स्वयं की प्राप्ति होती है। स्वयं एव आत्मन आत्मानं वेत्थतुं पुरुषोत्तम उद्रेद आत्मन आत्मानं नाशं न उद्रेद। अपने द्वारा ये तो अपने मैं जानता हूँ कि मैं हूँ,
अब हूँ ये तो है बात सच्ची, और साथ में शरीर को मिला लेते हो, जाति को मिला लेते हो, वर्ण को मिलाते हो, आश्रम मिलाते हो, नाम को मिला लेते हो, ये गलती। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार ये तो विपर्य, सर्वं ज्ञानम अभ्रांत है, मैं हूँ ये अभ्रांत, भ्रांति नहीं है इसमें, पर प्रकार में मिला लेते हो ये है, वो प्रकार में मिला लेते हो इसको मत मिलाओ, ठीक हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में चाहिए विवेक, इसमें संदेह बताओ, मैंने जो बात कही इसमें संदेह बताओ, मानो मैं हूँ ये तो अनुभव है कि नहीं, तो मैं नहीं है हूँ है, ये खास बात है मार्ग में ठेठ अंत की, तो मैं हूँ, मैं नहीं रहेगा तो हूँ नहीं रहेगा, है ही रहेगा, तो है ही तत्व है, बड़ी सीधी बात है, जो शोक सीखने में तो सीधी है, अनुभव करने में जा थोड़ा जोर आएगा तो कोई बात नहीं। आप इस लक्ष्मी मानो कि मैं नहीं है, अगर मैं और मेरा नहीं है तो प्राप्त हो जाएगा, मैं और मेरा, मैं और मोर मोर तई माया, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, मैं मेरी गृहस्थी है, मैं मेरा है प्रकृति, और उसको साथ अपने को मिला करके करते हैं, तो साथ अपने को प्रकृति साथ मिलाया या ज्ञान हुआ बंधन हुआ, मैं मेरे की जेवड़ी है, मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाकर राम आधार, मैं मेरा नहीं है राम है, राम है राम का ये, मैं नहीं है मेरा नहीं है, ये खास बात है, राम का है राम है, मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है, इस बात का अनुभव करना है, ठीक हो जाएगा। अनुभव करने में आपकी बुद्धि काम न करती हो, आप निर्भय पाते हो, तो सुनो एक बात बताऊं, इसको दूर करने में निर्बल पाते हो, अपने को अयोग्य पाते हो, असमर्थ पाते हो, कि मैं और मेरे का त्याग मेरे से नहीं होता, अगर ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं, आप उद्योग नहीं करते क्या अनुभव करोगे, विचार ही नहीं है। अनुभव करो जोर से, मेरे पूछो पट हो जाएगा, परिश्रम देखो, विचार में परिश्रम शरीर का नहीं है, थोड़ा बुद्धि का है, मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ, त्याग होता नहीं है, मैं मेरा मिटता नहीं है, तो ये बात हो जाना, ये पर आप लग जाओ, फिर मैं विचार बताऊ बता दूंगा, अभी सीख लोगे, होगा नहीं कुछ भी, आप इसमें हैरान हो जाओ, बता लू पट हो जाएगा, पहले ये तो होना चाहिए कि मैं छूट नहीं, मेरे छूटता नहीं है, इसमें मेहनत करो, उद्योग करो, हिस्सको खरीदू, और नहीं हो फिर मेरे से पूछ, पट हो जाएगा। देखो पहले क्यों नहीं होता, पहले कहने में जो मनुष्य साधन करता है, साध्य का पहले विचार करता है, उसका साधन तेज नहीं होता, परिणाम ये होगा, परिणाम ये होगा, तो परिणाम सोचता रहेगा, साधन तेज नहीं होगा, ये बाधा है। तो खास खास आपका काम क्या है, खास काम बताएं, ध्यान दे भाई सभी, आप खास काम बतावे, आपको जो असाधन मालूम देता हो उसका त्याग करते जाओ, एक ही बात है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जो असाधन है, आराम है, ये असाधन का त्याग करते जाओ, ये है खास काम साधक का, जो साधन विरुद्ध है उसका त्याग करते जाओ, आप बिल्कुल व्याकुल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, फिर पूछो ठीक हो जाएगा। देखो असाधन का त्याग करना मामूली काम नहीं है, बड़ा भारी काम है, इतना काम आपके जिम्मे है, ये जिसको आप असाधन समझते हो और उसी को ही करते रहते हो, ये कभी ठीक नहीं होगा,
काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड दिखावटीपन जो असाधन आप समझते हो परमात्मा प्राप्ति साधन नहीं है उसका त्याग करते जाओ। असाधन का त्याग करना मामूली नहीं, बड़ी भारी उन्नति कर दिया आपने। असाधन का त्याग किया बड़ी उन्नति हो गई, फिर तत्व की प्राप्ति देरी नहीं हो गई। साधन यही है, असाधन न रहे, और साधन असाध द्वंद्व रहेगा, ये द्वंद्व रहेगा तब तो आप कितना ही विचार करो कितना ही समाधि लगा लो चाहे द्वंद्व रहेगा तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ये निश्चित बात निर्णित बात है। निर्द्वंद्व ही मां बाह सुगम बंधा प्रमुचित द्वंदे विमुक्ता सुख तो कुसंग निर्द्वंद्व नित्य सत्तोष निर्योग क्षम अपमान निर्द्वंद होना चाहिए। गीता कहती है समय हो, समय हो। वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वंद्व में समाधि तो लगती नहीं है। द्वंद्व में समाधि तो लगती नहीं है, द्वंद्व में समाधि तो लगती नहीं है, समाधि लगती नहीं है द्वंद्व रहने पर। मैं समझा नहीं, द्वंद्व क्या बता है निर्द्वंद वही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो कहते हैं द्वंद रहने पर समाधि भी नहीं लग सकती, नहीं लगेगी, समर्थन नहीं किए मेरी बात में समर्थन करते हो तो ठीक बात है। तो इसमें अपना काम क्या है, अपना काम असाधन रहित होना है। साध्य का चिंतन करना काम नहीं है, साध्य का चिंतन करते रहो तो द्वंद बना रहेगा, तो वो प्रलोभन होगा साध्य का, और प्रलोभन होगा वो परम साधन करना नहीं देगा। इस और साधक के लिए साध्य के विचार करना नहीं, ये बाधक है। अपना असाधन का त्याग करना काम है। कर्मणि एव अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्मणि एव फल में नहीं, फल का अधिकार, फल का अधिकार नहीं, फल स्वरूप। इस वास्ते साधन के ऊपर लग जाओ कि असाधन जीवन में न रहे। देखो तपस्या बहुत ऊंची ऊंची स्थिति, फल ये होगा जीवन मुक्त हो जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, ये चिंतन मत करो, होगा तो देखा जाएगा जो हो जाएगा। असाधन नहीं रहना, असाधन नहीं रहना कोई मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात करो, साध्य का चिंतन मत करो, साध्य का विचार मत करो, साध्य का लक्ष्य बार बार चिंतन मत करो, ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, वो मनोरथ होगा, साधन नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण।